वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हंसराज बोराना जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपांशी दुसेजा आज आपको बताऊंगी कि हमें लाइफ में गोल कैसे मिलता है और हमें सक्सेस कैसे प्राप्त करनी चाहिए अपनी लाइफ में। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सक्सेस हमें कैसे मिलता है? तो सक्सेस के लिए हमें अपना एक गोल टारगेट करना होता है कि हमें ये करना है। तो टारगेट करेंगे गोल तो ही मिलेगा। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ हमारे बहुत ही बड़े डॉक्टर अब्दुल कलाम का, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। इनकी एक अद्भुत बात मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने मिसाइल बनाने का निर्णय कब लिया और कहाँ से लिया। ये घटना तब की है जब अब्दुल कलाम सिर्फ 10 वर्ष के थे और ये 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। इनका अध्यापक थे श्री सुब्रमण्यम अय्यर। वह इन्हें चिड़िया के उड़ने के बारे में बता रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ान भरती है। तो सबको किसी बात का समझ नहीं आया, तो इनके अध्यापक ने इन्हें एक नदी के किनारे ले जाकर चिड़िया की उड़ान दिखाई। तभी इन्होंने निर्णय लिया था कि मैं एक जब कि चिड़िया आसमान में उड़ सकती है तो एक इंसान क्यों नहीं। तभी इन्होंने मिसाइल बनाने का निर्णय लिया था। तो वैसे ही हम भी एक निर्णय ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक गोल बना सकते हैं, तभी हम रिच बनेंगे। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी गोल होगा, कोई भी टारगेट होगा कि हमें हमारे ड्रीम्स को पूरा करना है, हमें हमारी लाइफ में सक्सेस अचीव करना है, तो हमें मोटिवेशन गोल तो लेना ही पड़ेगा। गोल लेने पर क्या होता है कि गोल हम लेते हैं तो हमारे लाइफ में गोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, जिससे कि हमारा फ्यूचर बहुत डिपेंड कि हमारा गोल अच्छा होगा तो हमारा फ्यूचर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हमने अभी गोल ले लिया है तो गोल लेने से क्या है कि हमारा फ्यूचर इतना इतना अच्छा रहता है और इतनी नॉलेज से बढ़ा रहता है, क्योंकि हमने गोल बचपन में ही ले लिया था। तो गोल लेना सीखिए। अगर अभी तक आपने अपने लाइफ का कोई गोल नहीं लिया है तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ का गोल लीजिए, क्योंकि गोल के बिना कोई भी काम अधूरा है। अगर हमें सीढ़ियाँ पूरी चढ़नी है तो सीढ़ियों की शुरुआत हमें नीचे की सीढ़ी से करनी चाहिए, जो कि है गोल। गोल हमें इतना मतलब थिंकिंग करवाता है कि हमें ये गोल करना है, हमारा ये गोल है तो हमें इसे अचीव करना है। हमें हर सुबह उठकर हमारी सुबह को अच्छा बनाना है। अगर हमने हमारी सुबह को अच्छा बनाया तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो अपने लाइफ में एक ऐसा गोल लें जिसमें आपको सक्सेसफुल मिले और आप अपने काम से प्यार भी करें कि हाँ मैंने ये काम अपने डिपेंडेंट पर लिया है। और मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गोल में, क्योंकि गोल अगर मोटिवेशन से लिया जाएगा तो मोटिवेशन तो है ही। अचीवमेंट लेते हैं, अचीवमेंट तब तक नहीं मिलती जब तक हमारा गोल पूरा नहीं होता, और गोल तब पूरा होता है जब हम अपने गोल पर बिल्कुल फोकस करते हैं। आप गोल में एक बार फेल होंगे, दो बार फेल होंगे, तीसरी बार में तो आप अचीव लेंगे अपने गोल में। ऐसी बात नहीं है कोई फेल नहीं होता, और कई लोग तो फेल नहीं भी होते हैं, कई लोग बिना फेल हुए भी अचीव हो जाते हैं, बट कोई लोग फेल होकर अचीवमेंट और अपने गोल को छोड़ देते हैं। तो हमें फेल, अगर हम फेल हो भी जाते हैं तो हमें हमारा गोल तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई लोग मैंने बहुत ज़्यादा लेज़ी देखे हैं जो बोलते हैं कि हम कल करेंगे, बट वो फेल भी हो जाते हैं तो भी अपने प्लान्स को, अपने गोल्स को फेल कर देते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने गोल पर फोकस करें, जो आपने गोल अपनी लाइफ में लिया है उसको अचीव करें, उसको मैनेज करें। तो गोल एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें लेना बहुत ज़रूरी है। गोल सेकेंड होती है पर्सनली सक्सेस, जो हमें खुद को देना है। खुद को देने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमें पहले तो अपने गोल को सेट करना पड़ेगा, फिर हमारा फ्यूचर देखना पड़ेगा, फिर हमें हमारे फ्यूचर में उस गोल में कितना सक्सेस मिल रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो ही अगर हमें गोल में सक्सेस मिल रहा है तो ही हमें उस गोल को अचीव करना है। जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ने अचीव किया था कि मैं
एक मिसाइल बनाऊंगा जिसमें इंसान भी उड़ सकता है। तो वैसे ही हमको गोल तो बनाना है पर उसको अचीव भी करना है। उसको अचीव करने के बिना हमारा कोई गोल नहीं होगा। अगर हमने उस गोल को अचीव कर लिया तो हमारी लाइफ तो बिल्कुल सेट है। अगर गोल को बिल्कुल अचीव कर रहे हैं, आप अच्छे से देख रहे हैं, तो अगर आप आगे चल के अपने गोल में देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो अगर आपको रिच भी बनना है तो आप देख सकते हैं कि हमें गोल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कि हमने अगर अच्छा गोल लिया है तो हमें गोल के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। और एक गोल कब लिया जाता है, जब हमारी ड्रीम्स आती है। ड्रीम्स ऐसी होनी चाहिए कि ड्रीम्स हमेशा बड़ी देखो, क्योंकि कई लोग होते हैं ड्रीम्स को सुला देते हैं, ड्रीम्स मत देखो, ड्रीम्स पूरी नहीं होंगी, तुम छोटे फैमिली से हो। तो छोटी फैमिली से होना कोई बड़ी बात नहीं है कि छोटी फैमिली से, पर कोई ऐसा काम करके दिखाओ कि हमारा देश में नाम हो, देश को सक्सेस मिले। ऐसे नहीं है कि हमें अचीवमेंट नहीं मिलेगी, हमें अचीवमेंट भी मिलनी चाहिए। अगर हमारे सक्सेस में कोई भी पावर है तो हमें अचीव भी मिलेगी, और अगर हमने बहुत मेहनत करी है इस गोल को पाने में तो हमें गोल भी मिलेगा और अचीव भी मिलेगी और हम मोटिवेशन भी करेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने गोल को कभी मत भूलें, चाहे वो कितनी बार भी आप फेल हो जाते हैं तो अपने गोल को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने अपने गोल को एक बार भूल लिया तो फिर वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं रहेगा। क्योंकि अगर गोल को कभी मत भूलिए, क्योंकि अगर आप अपने गोल को भूल जाएंगे तो फिर आपकी लाइफ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगी, आपके खुद के लिए भी इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं होगा तो आपकी लाइफ कैसे इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो अपनी लाइफ का गोल को कभी नहीं भूलें, गोल को हमेशा अचीव करने की कोशिश करें, चाहे वो आप कितनी बार भी क्यों ना फेल। अगर आपको मेरे वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो या कोई भी सक्सेस का मोटिवेशन मिला हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं आगे तो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस ब्यूटिफुल वीडियो एंड सक्सेसफुल वीडियो।